मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किसी फोन का जो MMC होता है यानी मेमोरी कार्ड का जो जैक होता है उसे कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी कि MMC जैक को कैसे चेंज किया जाता है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में ये जो जैक है ये इसका MMC जैक है यानी कि मेमोरी कार्ड का जैक है। तो इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताते हुए आ रहा हूँ, तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि इस पर पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, पेस्ट लगा लीजिए। पेस्ट लगाने के बाद, पेस्ट लगा लिया हमने, ठीक है पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के बाद फिर इसे क्या करना है कि ब्लोअर मशीन से हमें निकालना होता है। तो दोस्तों, ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको करके दिखाते हुए बताते हुए चला आ रहा हूँ कि हीट को हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और एयर को हम अपने 3 पे रखते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल देखिए अभी क्या करना है कि हमें फिर ब्लोअर मशीन को अपोजिट साइड में रखना है यानी कि बोर्ड के निचले वाले हिस्से में रखना है और हीट को तब तक देना है जब तक कि हमारा चार्जिंग MMC जैक आराम से निकल ना जाए। हीट देते रहेंगे प्रॉपर, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर हीट पड़ता है तो कभी कभी हमारा जो जैक होता है वो प्रिंट के साथ बाहर आ, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही है। तो दोस्तों, ये हमने आसानी से इसे रिमूव कर लिया। अब देखिए, रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे प्रिंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही जो है रहने चाहिए। ठीक है, निकालते समय इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, कोई भी प्रिंट इसका ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्रिंट जितने भी हैं वो सारे के सारे बढ़िया हैं। ठीक है, यही जो चीज़ें हैं आपको है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हम इसके जो प्रिंट्स हैं उसको एक बारी साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। और बोर्ड हीट होता है उस समय आप इसको खुले हाथों से ना टच करें, बोर्ड को ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इस पर कोई भी आप सोल्डिंग का काम या फिर डीसोल्ड का काम आप इस पर करो, क्योंकि उससे आपको भी नुकसान पहुंचेगा और आपके बोर्ड को भी प्रॉब्लम होती है। साफ़ कर लिया है मैंने। अभी क्या करेंगे कि ये जो चार इसके पिंस हैं जो कि बोर्ड में हमारे लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि बोर्ड के इंटरनल एरिया में जो है वो सोल्ड होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो अभी क्या करना है कि इसके इसका जो इंटरनली सोल्ड है, सोल्डर है, उसको हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डिसोल्डर पंप का इस्तेमाल अब कैसे करेंगे, तो अपना आयरन लेंगे, आयरन को अपोजिट साइड में रखेंगे बोर्ड के। तो इसके चारों होल्स में से हम क्या करेंगे, सोल्डर को निकाल देंगे। सोल्डर निकालने के बाद हमें इसको फिक्स कर देना है, ये ऐसे फिक्स कर दिया हमने इसको बोर्ड पे। तो बोर्ड पे फिक्स कर देंगे। बोर्ड पे फिक्स करने के बाद इसके जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पॉइंट्स को हमें सबसे पहले रिसोल्ड करना होगा, यानी कि इसे पहले प्रिंट से इसे अटैच करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट इसको आप रिसोल्ड कर दीजिए दोस्तों। ये जो आपको रिपेयरिंग सिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है, ये एके इन्फो चैनल के माध्यम से बताई जा रही है। ये एके इन्फो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कि आपको मोबाइल, लैपटॉप और LED TV की चिप लेवल की रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जितने भी प्रिंट्स थी हमने इसे क्या कर दिया, रिसोल्ड कर दिया, यानी कि ये जो प्रिंट्स हैं बोर्ड से और ये MMC जो जैक है हमारा, दोनों में कनेक्शन अब हो चुका है। फिर अभी क्या करेंगे, ये जो चार पॉइंट्स थे जो जिसको कि हमने डिसोल्डिंग पंप से डिसोल्ड किया था, जिसमें से सोल्डर, उसको हम फिक्स कर देंगे थोड़ा सा सोल्डर की हेल्प से।
और फिक्स करने के बाद बैक साइड से भी वही काम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ये NMC कार्ड था, ये इसको हमने एक बार डिसेंबल किया और फिर दोबारा उसे असेंबल किया। तो इस थोड़े बड़े छोटे मोटे स्टेप्स के साथ आप जो है किसी भी अब सिम जैक को या फिर MMC जैक को या फिर चार्जिंग कनेक्टर को आसानी से असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है कि चाहे कोई भी जैक हो हमारा, या सिम जैक हो या MMC का जैक हो, कोई भी जैक हो, उससे जो सप्लाई की प्रिंट होती है कभी भी डिसेंबल करते समय वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। या तो हम जब कभी असेंबल कर रहे हैं तो उस समय अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो हमारा कार्ड होता है, जैसे कि सिम कार्ड हो गया या फिर हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, तो वो काम करना बंद कर देता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये जो आपको रिपेयर, ये मैं वीडियो आपको बता दिखा रहा हूँ जो, या फिर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एके इन्फो चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। एके इन्फो जो कि हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कि लैपटॉप, मोबाइल और LED TV की चिप लेवल की रिपेयरिंग आप लोग को सिखाई जाती है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।